राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि मोहिनी से सब अमृत पान करने के लिए संतुष्ट हो जाते हैं और मोहिनी एक एक करके सबको अमृतमान करा ही रही होती हैं। तभी यहाँ पर एक असुर भेष बदल कर देवों में शामिल हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग पहचान लेते हैं और देवता भी मोहिनी को ज्ञात करवाते हैं कि रुक जाइए देवी, ये कोई असुर है, देव नहीं। और ये देखकर के मोहिनी को भी समझ आता है कि ये सब तो सत्य कह रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती हैं। और तभी वो अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन करती हैं और सर धड़ से अलग कर देती हैं उस असुर का। ये देखते हुए तभी असुर कहता है नारायण से कि ये कैसा न्याय है आपका, देवता अगर छल करें तो कुछ नहीं, लेकिन असुरों ने अगर छल किया तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ये कहाँ का इंसाफ है। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण यानी कि जो नारायण है वो राहु को समझाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ प्रारब्ध का किया धरा होता है, मेरा भी प्रारब्ध ऐसा ही है। आज से मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम्हारा जो सर है वो राहु कहलाएगा और जो बाकी का धड़ है वो केतु कहलाएगा। तुम्हारे जिस कुंडली में वास होगा उस कुंडली के ज्ञाता को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और ये तुम सुनिश्चित करोगे कि तुम्हारा कौन सा भाग किसकी कुंडली में कहाँ रहेगा। और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम्हारी आज जो दशा हुई है उसके बाद जो मेरी कुंडली पर असर होगा वो मुझे भी भोगना होगा। और इधर श्री कृष्ण यहाँ पर कहानी सुनाना ख़त्म करते हैं। तभी सभी लोग मांग करते हैं अपस्मार के अंत की, और अपस्मार को भी सब कुछ ज्ञात हो जाता है कि जो कुछ होता है वो किसी कारणवश होता है, और अपस्मार का मृत्यु का सब लोग डिमांड करते हैं। तभी कहते हैं महादेव कि अपस्मार की मृत्यु नहीं होगी बल्कि इसका दमन होगा, दमन। और महादेव तांडव करते हैं और फिर अपस्मार का अंत कर देते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि राधा और बाकी सारी स्त्रियों और पार्वती की सारी जो अच्छी यादें होती हैं वो वापस आने लगती हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ कहता नहीं है ताकि वो लोग एक दूसरे से हर्ट ना हो जाएं। इसी बीच यहाँ पर श्री कृष्ण को भी ज्ञात हो जाता है कि सब कुछ याद आ चुका है, सब कुछ वापस से वैसा ही हो चुका है, लेकिन शुक्राचार्य यहाँ पर राहु और केतु को कहते हैं कि तुम अपनी शक्तियाँ और बढ़ाओ, क्योंकि तुम अपनी शक्तियाँ बढ़ाओगे तभी यहाँ पर कृष्ण की जीवन में समस्या आएगी। और इधर बताया ये भी जाता है कि जो राहु केतु है वो राधा कृष्ण के कुंडली पर उपस्थित होता है, और जिसकी वजह से श्री कृष्ण के कुंडली पर काल सर्प योग लगा होता है, और इसी वजह से राधा कृष्ण कभी एक नहीं हो पाते और उनका विवाह भी आज तक नहीं हो पाया। इसी वजह से सभी लोग काल सर्प दोष को शांत करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी रहते हैं। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अब कैसे श्री कृष्ण यहाँ पर राधा को सही मौके पर ढूंढ पाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जब राधा को ये देखते हैं कि उन्हें सारी स्मृतियाँ याद आने लगी हैं, तब वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं और कहते हैं कि मुझे राधा को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वेल, ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।